अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज। वेलकम टू माय चैनल। हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपसे मुखातिब हैं। काफी मेरे क्लाइंट्स हैं, उनसे कहा कि सर एक वीडियो बनाई जाए, कम दर्द के हवाले से मुकम्मल गाइड किया जाए। तो एक एक बंदे को बताना जरा मुश्किल होता है, हर मैसेज का जवाब देना जरा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा चलो उस पर वीडियो बनाई जाए, ताकि मेरे हर जो व्यूअर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उन तक पहुंच सके। तो नाजरी, ये कमर दर्द के हवाले से है। सिर्फ एक चीज है जो घर में आसानी से मिल जाती है, उसके हवाले से है। उसके हवाले से बेहतरीन होम रेमेडी है, होम नुस्खा है, बेहतरीन हर्बल नुस्खा है। कमर दर्द जिनको होती है उनके लिए बेहतरीन चीज है ये। इसके हवाले से यह साहब की कमजोरी के लिए बेहतरीन है, मोटापे के लिए बेहतरीन है, सुस्ती काली जिनको होती है उनके लिए बेहतरीन है, जोड़ों के दर्दों के लिए भी बड़ा मुफीद ये नुस्खा है। ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करता है, ब्लड की सर्कुलेशन को हर अज़ू तक पहुंचाता है, शरीर में भी ब्लॉकेज को खोलता है। एक बेहतरीन ये नुस्खा है, तो इस पर बात करेंगे। ये दालचीनी आपने लेनी है, पाँच थोला सूंघ लेनी है, पाँच लाख सूंघ उसको बोलते हैं जो खुश्क अदरक होता है। खुश्क अदरक आपको किसी भी बाजार से मिल जाएगा, या आपको तो घर पे कुछ अदरक को कुछ कर सकते हैं। तो फिर वो कुछ हो जाएगी, तो दोनों को इकट्ठा ग्राइंडर में डालें, उसका सफूफ तैयार करें और मिक्स कर लें। तो दिन में किसी भी टाइम इस सफूफ एक छोटा चम्मच एक कप पानी में डालें और दो तीन जोश दें और उतार लें। नीम गर्म इसको चाय की तरह नोश फरमाएं। दिन में एक टाइम आपने ये वाला कावा पीना है। तो इंशाल्लाह इससे निज़ामे दौरान खून बेहतर होगा, शरीरों की ब्लॉकेज खुलेगी, कमर दर्द में फाका होगा, इस नुस्खे से मोटापा भी कम होगा, सुस्ती काले भी दूर होगी और जोड़ों के दर्द भी खत्म होंगे। मैं ये बताता चलूंगा, ये नुस्खा वो हजरात यूज नहीं कर सकते जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज है, वो अपने मालिक से मशवरा किए बगैर ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। तो ये देखें कि बड़ी आसान सी टिप है कि सिर्फ दो चीजों से आप अपने मसाइल हल कर सकते हैं, सुस्ती काली को दूर कर सकते हैं, कमर दर्द ठीक हो सकती है, शरीर की ब्लॉकेज ठीक हो सकती है, निजामे दौरान खून ठीक हो सकता है, मोटापा कम हो जाएगा इससे अल्लाह के फजल से। ये एक छोटा सा नुस्खा है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत अच्छा नुस्खा है। आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, जिनका ठंडा मिजाज है वो इसको इस्तेमाल बेफिक्र होकर करें, जिनका गर्म मिजाज है वो अपने मालिक से मशवरा किए बगैर ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिनको पसंद आई है वो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और दोस्तों को भी बताएं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।